असम में बाढ़ का कहर, करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर। असम के 9 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में अब तक बाढ़, भूस्खलन और तूफान से 39 लोगों की मौत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल से बताया कि करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। 23 जून तक औसत वर्षा 5.9 मिलीमीटर दर्ज की गई। बाढ़ से 9 जिले, 22 राजस्व मंडल, 800 गांव और 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में 107 राहत शिविर और 104 राहत केंद्र सक्रिय है, जो 1,281 लोगों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सोमवार को प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ मामूली सुधार हुआ। हालांकि 2,00,000 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 9 जिलों में वर्तमान में 2,50,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित जिलों में बजाली, बालपेटा, विश्वनाथ, कचार, तरांग, ग्वालपारा, कामरूप, करीमगंज और नलबाड़ी शामिल है। इस साल की बाढ़, भूस्खलन और तूफान में अब तक कुल 39 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पिछले 2 दिनों से बारिश बंद होने के बाद अन्य प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां घट रही है। प्रभावित जिलों में 200 से अधिक राहत शिविरों में 75,000 से अधिक लोगों ने शरण ली है। बाढ़ के मौजूदा दौर के कारण राज्य भर में 800 से अधिक गांव और 4,274 से अधिक हेक्टर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित अधिकांश जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में जितना हो सके जाने से बचें और जो बाढ़ से प्रभावित है वो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।